मौसम गर्मी का है और गर्मी से पूरे देश भर के लोग इन दिनों परेशान हैं। कहीं लू चल रही है तो कहीं तापमान नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। दिल्ली में तो टेम्परेचर इतना हाई हो गया कि लोग हैरान नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। नौतपा के पांचवें दिन बुधवार को देश में सबसे ज्यादा गर्मी का रिकॉर्ड दिल्ली ने तोड़ दिया। मंगेशपुर में दोपहर का तापमान 52.3 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली में बारिश भी हालांकि शुरू हो गई। दिल्ली में पानी की कमी के बीच केजरीवाल सरकार ने पाइप से कार धोने पर 2,000 रुपए जुर्माना लगाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा 200 लोगों की टीम पानी की बर्बादी की मॉनिटरिंग करने के लिए लगा दी गई है। दिल्ली के बाद राजस्थान का चूरू शहर 50.5 डिग्री तापमान के साथ देश का दूसरा सबसे गर्म शहर रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान में गर्मी से 23 से 29 मई तक 55 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार की बात करें तो बिहार में भी कई जिलों में पारा 48 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। भीषण गर्मी से यहां बुधवार को 8 जिलों में 80 बच्चे बेहोश हो गए। राज्य में 2 दिन हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने देश के 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जिसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बुधवार के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर रखा था। इसके अलावा आने वाले दिनों में भी ये अलर्ट है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की बात करें तो यहां चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां पर गर्मी का कहर ऐसा बरपा कि लू की वजह से भाई बहन की मौत हो गई। 12 साल की मोनिका और 10 साल का अभिषेक 28 मई को मां के साथ ऑटो से ग्वालियर लौट रहे थे। मुरैना जिले के कैलारस से ग्वालियर उन्हें आना था। बीच रास्ते में इन्हीं की बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि बच्चों के पिता राम बाबू कारीगरी का काम करते हैं और दोनों बच्चे दादी के लिए दवा लेने के लिए मां के साथ ऑटो में सवार होकर गए थे। जिद कर रहे थे बच्चे। जिस वक्त उनकी मौत हुई उस वक्त ग्वालियर का तापमान 47.6 डिग्री था। ग्वालियर में हीट स्ट्रोक से 4 लोगों की जान जा चुकी है। इधर जिला प्रशासन ने ग्वालियर में गर्मी के चलते धारा 144 लागू कर दी है। प्रशासन ने दोपहर की कोचिंग को लेकर यह धारा लगाई है। कलेक्टर रुचिका सिंह ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं और ग्वालियर में अब सुबह 11 बजे के बाद कोई कोचिंग सेंटर चल नहीं पाएगा। कलेक्टर का आदेश भीषण गर्मी के चलते 15 जून तक प्रभावित रहने वाला है। इधर मध्य प्रदेश की निवाड़ी की बात करें तो पृथ्वीपुर का यहां का तापमान 48.5 डिग्री दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म रहा। राजधानी भोपाल में गर्मी से 2 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के 4 जिलों का तापमान 48 डिग्री और 10 जिलों का तापमान 47 से ज्यादा रहा। पृथ्वीपुर के बाद दूसरे नंबर पर दतिया का तापमान 48.4 डिग्री रहा। रीवा में 48.2 डिग्री और खजुराहो में पारा 48 डिग्री को छू गया। नौतपा चल रहा है और ऐसे में अभी गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में भीषण गर्मी पड़ रही है और उत्तरी हिस्सा भी काफी गर्म हो चुका है और आगे भी यहां पर गर्मी का असर ऐसे ही देखने को मिलेगा। आने वाले 1 सप्ताह तक ऐसा ही मौसम बना रहने वाला है। तो आपसे भी यही है अपील कि आप सावधानी से घर से बाहर निकलें, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और साथ ही साथ बचने के उपाय, चाहे उस चेहरे को ढककर निकलना हो या फिर छाते का या भरपूर पानी का इस्तेमाल करें ताकि इस भीषण गर्मी में अपने आप को आप सुरक्षित रख पाएँ।